नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम नागपुर में हैं और नागपुर में जो जगहें हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा सकते थे, हमने लगभग हर जगह पे आपको रूबरू कराया। बाबा साहेब की नगरी है ये, तो उनसे जुड़े जितने भी स्थल थे वो भी हमने आपको घुमाए। लेकिन नागपुर में एक और व्यक्तित्व है जिनको यहाँ लगभग हर कोई जानता है, और उनकी जो सोच है, उनके जो जो कुछ उन्होंने किया है अपने जीवन में, वो बेहद प्रेरणा के लायक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में जानना, उनके जीवन को समझना आज के युवाओं के लिए भी ज़रूरी है। और किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं धम्म से जुड़ के, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ रूपा कुलकर्णी बोधी जी हैं, जिन्हें जय खास जी तौर से यहाँ के लोग रूपा ताई कुलकर्णी के नाम से जानते हैं। जी, तो मैम, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी नागपुर नगरी में, बहुत धन्यवाद, बाबा साहब की नागपुर नगरी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैम, सबसे पहला सवाल आपको मिलने के बाद या आपको जानने के बाद जी जो जहन में आता है, सीधा सीधा सवाल करती हूँ, जी क्योंकि ब्राह्मण हैं आप और एक ब्राह्मण होने थी। थी अच्छा, जैसे आपने क्लियर कर दिया, ब्राह्मण थी, तो ये जो जी थी है, ये कारण क्या था? क्यों आपने ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण होने पर कई लोगों में हम देखते हैं एक गुरूर होता है, हम ब्राह्मण हैं, हम इतने ऊंचे कुल से आते हैं, वो आज भी जी लोगों में दिखता है। तो आपने उसे छोड़ के आपने बौद्ध धर्म अपनाया, कब अपनाया और क्यों अपनाया? देखिए, ब्राह्मण होने से भी अहम बात मेरे जीवन में है पिछले 40 सालों से कि मैं मूवमेंट से जुड़ी हूँ, और इस मूवमेंट की शुरुआत 1980 में, यानी बराबर 40 साल हो गए, 41वां साल शुरू है। और पहले से, यानी बिल्कुल बचपन से ये बात मेरे जहन में बार बार पैदा होती थी कि आदमी सिर्फ आदमी करके क्यों नहीं पहचाना जाता। मैं मेरी दादी से पूछती थी कि आप क्यों इतने गर्व से बताती हो कि हम ब्राह्मण हैं, मुझ में तो आप हम में और औरों में कुछ फर्क नहीं दिखाई देता कि जी ब्राह्मण होने से अलग। तब वो हंसी में मुझे ये कर देती थी, तेरे को नहीं समझेगा, हम कितने ऊंचे इसके हैं वगैरह। वो सब बातें ना मुझे तब भी बिल्कुल बेमतलब लगती थी। और ऐसा ही मैं, मेरे घर में जो वातावरण था, मेरे पिताजी ये विचारों से लेफ्टिस्ट थे, माँ एक घरेलू औरत होने पर भी बहुत ही वो क्या कहते, विशाल मन की थी। और ये जात पात वगैरह सब हमारे घर में कभी पाला नहीं गया, या ब्राह्मणों में अक्सर लड़कियां देख देख के शादियां की जी जाती है। वो मैंने तो शादी नहीं की है, लेकिन मेरे दो भाइयों ने भी, एक ने तो धर्म, अलग धर्म में शादी की। शादी की थी, और सबसे जो छोटा था उसने अपनी पसंद से बिना जात देखे हुए उसने भी तय की थी। तो जो रोल नॉर्मली पेरेंट्स का रहता है ये सब प्रोसेस में कि जाति के अंदर शादी होनी चाहिए ये, और उसमें इनकी भी छुपी हाँ होती है लड़के लड़कों की, तो वो सब वातावरण एक तो मेरे घर में नहीं था, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो तो नहीं रहे मेरे पेरेंट्स, जरा जल्दी चल बसे वो, लेकिन मैं साधारणतः मैं पढ़ाती थी नागपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अच्छा, वो भी सब्जेक्ट था संस्कृत, ओके, यानी जिसमें सभी कूट कूट के भरी है बिल्कुल। विषमतावादी चीजें। तो
वो भी सिखाते समय ये यहाँ मेरे पास मनुस्मृति की फिर तपाशनी यानी उल्टी परीक्षा की बुद्धि वाली समीक्षा। हाँ, ये अंबेडकरवादी एक लेखक ने लिखा है, लेखक तो है कौशल करके। हाँ, कौशल कौशल हाँ, ये है जिन्होंने ये लिखा है। हाँ, तो मेरे तरफ वो अभिप्राय के लिए आया है। तो इसको भी कोर्स में रखा था संस्कृत के मनुस्मृति तो, को मनुस्मृति को जी, दो अध्याय उसके। तो मैं ये एक तरफ से मैंने सोचा ये बुक नहीं रहनी चाहिए कोर्स में, फिर ऐसा लगा नहीं हम ये बताना जरूरी है विद्यार्थियों को कि ये कितना गलत सोच इस बुक में लिखी है जी। और उसके अंतरंग तक जब तक हम नहीं ले जाएंगे बच्चों को तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या घिनौनी चीजें ब्राह्मण व्यतिरिक्त अन्य अन्य वर्गों के लिए लिखी है। तो ये मेरा बैकग्राउंड हुआ। हाँ। मैंने 40 साल पढ़ाया है नागपुर यूनिवर्सिटी में, उसके पहले कॉलेज में, और संस्कृत विषय होने के कारण मैं हमेशा ये चांस ढूंढती थी क्लास में कि लड़कियां भी एकदम परंपरावादी और ऐसी न बने और उन्हें भी ये सोच पैदा हो कि मानव यह मुख्य है, बाकी ये सब लेबल्स आदमी ने ही तैयार किए हैं विषमता के। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैंने मूवमेंट में भाग लेना चालू किया। पहले अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू में 80 साल में 75-80 में, और फिर उसके बाद मैंने जो घरेलू काम करने जाती है महिलाएं उनका संगठन बनाया। तो ये दिखाई दिया कि ये काम करने वाली अक्सर महिलाएं ये दलित फैमिली से हुआ करती है, यानी जो अपर क्लास कभी उसमें इस तरीके का काम नहीं करती। हाँ, ये काम नहीं करते बिल्कुल। तो ये जो विषमता दिखाई दी मुझे पूरे समाज के अंदर, उसमें इस संस्कृत विषय ने एक तरह से अहम रोल प्ले किया, अहम रोल अदा किया। हाँ। और इसलिए मैं सारे लोगों की दृष्टि में एक संस्कृत का कुछ सेवा न करने वाली एक औरत, संस्कृत के क्षेत्र में नुकसान करने वाली औरत है, इस तरह से देखा जाता था। मैंने उसे भी एक भूषण ही मान लिया। और फिर मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद ये जो श्रमजीवी महिलाएं उनके मूवमेंट से जुड़ी, उनमें से मेरी इस देश के जात वास्तव पे और अधिक प्रकाश पड़ा, विषमता के मुझे नए नए रूप दिखे। और उसके बाद मैंने साधारणतः 1992 में इस सब वास्तव देखने के बाद नागपुर के एक धम्म दीक्षा समारोह में, उस दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन था और बाबा साहब ने इसी नागपुर नगरी के अंदर बौद्ध धम्म का स्वीकार किया था जी। 5,00,000 लोगों के साथ, तो मैंने भी उस दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। मैं अकेली थी उस पूरे सभागृह में और बाकी प्रांतों से आए हुए लोग भी फिर से एक बार दीक्षा लेते थे, लेकिन मैं जब स्टेज के ये चढ़ने लगी तो सारे आश्चर्य से देखने लगे। और दूसरे दिन पूरे नागपुर की वो न्यूज आइटम बन गई फ्रंट पेज। हाँ। तो मुझे लगा नहीं था वो करते वक्त कि इतना, लेकिन वहां बैठे हुए लोग बोले ताई कल आप फ्रंट पेज पे रहोगी। हाँ। मैं बोली मैं किसी भी पेज पे रहूं लेकिन मैं बौद्ध धर्म में ही रहूंगी। और 92 से लेके अब तक आप फ्रंट पेज पे हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जिस मूवमेंट से जुड़ी हूँ
श्रमजीवी महिलाओं की, तो उससे ये सब बौद्ध धम्म में बहुत सारी अनुकूल चीज़ें मुझे मिली। मतलब आपके जो जीवन आपका रहा है, आपको परिवार ऐसा मिला जहाँ आप स्वतंत्रता से सोच पाई। हाँ, तो एक तरह से आपका वो पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी ऐसा रहा। फिर आपने संस्कृत में पढ़ाया और उसके बाद उसको समझा, उसके पीछे के विचार को समझा, और फिर आपने विरोध किया, फिर आपने उसके विरोध के स्वर उठाए। हाँ। मनुस्मृति को लेके जैसा आपने बताया, मनुस्मृति के एक अध्याय में कहा गया है कि महिलाओं को हमेशा पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। वहीं कुछ ब्राह्मण विचार वाले लोगों का कहना है कि मनुस्मृति ये सिखाती है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो वो कहते हैं कि ये सिखाती है मनुस्मृति। आप जो ये कहते हो ये झूठ है, आप ये फैला रहे हो मनुस्मृति को बुरा भला कहने के लिए। इस पर आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्कस कर सकता है। नहीं, मनुस्मृति में ऐसे इने गिने श्लोक है जो महिला की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है एक तो किसी ने मनुस्मृति के बारे में लोगों का अच्छा मत बने इसलिए डाल दिए होंगे, बाद में प्रक्षिप्त तो हो सकते हैं बैलेंस करने के लिए, बैलेंस और थोड़ा अच्छा अभिप्राय रहे। लेकिन मेनली मनुस्मृति यह लिखी ही गई है ब्राह्मणों के प्राधान्य के लिए जी। और इस समाज में उनका प्राधान्य बना रहे, इसलिए उसका लेखन मनु था या भृगु था जो कोई था उसने किया है, और वो ईसवी दूसरी शती में शताब्दी में हुआ है। तो ये सब जानबूझकर एक उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि जिसके अंदर ये समाज की घड़ी वैसी की वैसी जाति निहाय, यानी जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनोरेची रचना बोलते थे, मनोरा मीन्स टावर, और उसका एक सीढ़ी दूसरा नहीं है, तीसरा और सीढ़ी नहीं, नहीं है, है। बिना सीढ़ी का मनोरा। तो ये उनकी ये का उपमा वो एकदम करते थे। बैठती थी उसमें बिल्कुल। और फिर मैं 1992 में जब उसके पहले रिडल्स इन हिंदुइज्म की मूवमेंट में मैंने हिस्सा लिया था, लेखन किया था, पुस्तिका निकाली थी कि वो बाबा साहब ने कितना करेक्ट लिखा है कि हिंदू धर्म के उन्होंने जो राम और कृष्ण के जो पजल्स है लिखे हैं, 32 लिखे हैं उसमें ये भी है, तो उस पर बहुत टीका टिप्पणी हुई थी और वो निकाले जाए करके आंदोलन हुआ था जी। 1989 में, उसमें मैंने हिस्सा लिया और बाबा साहब की तरफ से उनके लिए लेखन किया। उसके कारण मैं पूरे समाज के संपर्क में आई और फिर मैंने सोचा कि केवल लिखकर उपयोग नहीं, वो हमने कृति में लाना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैंने 92 के यहाँ धम्म दीक्षा समारोह में ये दीक्षा ग्रहण की। अगर हम बात करें बौद्ध धम्म की, तो बाबा साहेब भारत के संदर्भ में विशेष तौर से, बाबा साहेब और बौद्ध धम्म एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा साहेब लेकर आए बौद्ध धम्म को एक बड़े स्तर पे, और आज उनकी वजह से आपने बौद्ध धम्म को अपनाया, जाना जी, और हम यहाँ हैं। हाँ। तो बाबा साहेब के बारे में, क्योंकि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, तो बेशक आपके घर में एक स्वतंत्र सोच मिली आपको, लेकिन पूजा पाठ भरपूर होता होगा। नहीं नहीं, ये भी नहीं था। नहीं, पिताजी नास्तिक थे, कभी मंदिर नहीं गए वो। माँ ने भी जो भगवान की जो भी मूर्तियां पड़ी थी बहुत सालों से, उसे एक डब्बे में डाल के बंद करके रखा हुआ था, दे दिया किसी को, तो भी
यानी वो भी वैसे बाद में बन गई एक तरह से नास्तिक। तो आप बाबा साहिब के विचारों के प्रकाश में कब आई? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा है हाँ उसमें बाबा साहिब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया नहीं जाता, नहीं सिर्फ उनको ये बता दिया जाता है कि संविधान निर्माता हैं, उनकी जन्मतिथि ये है, इस तारीख को वो, हाँ उनका देहावसान हो गया। उनके संबंध में कुछ बताइए। वो 89 के रिड्यूसिंग हिंदुइज्म, वहां से, उस वहाँ से मोमेंट से। मैं आई हाँ अंबेडकरी समाज के संबंध में। बाबा साहब की मूवमेंट के बारे में खूब सारा पढ़ा। बोलने को भी मुझे बुलाया जाता था कि एक ब्राह्मण लेडी बौद्ध बनने के बाद कैसी बिल्कुल दिखती है क्या कैसी बहुत दिखती उत्सुकता बहुत उत्सुकता रहती थी। बिल्कुल छोटे गांव से बड़े शहरों तक मैं घूमी हूँ उस काल में, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने लिखा भी बहुत सारा, और यानी जिसे कहते हैं वज्रसूची नाम की एक किताब है। बड़े विद्वान थे, महाविद्वान आचार्य अश्वघोष, बुद्धिस्ट सर्कल में बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है वो। और मैंने वज्रसूची करके जाति व्यवस्था को निकाल देने के हेतु से वह किताब लिखी है, और जातीयवादी लोगों को वह सुई के तरह चुभे, चुभेगी। वज्र की सुई, सूची यानी सुई, तो इस यह नाम दिया है उन्होंने। उस किताब पर मैंने 92 में बौद्ध होने के पहले ही काम किया था, तो मेरा एक माइंडसेट बन गया उस बुक के लिखने के बाद। और फिर मैंने प्रत्यक्ष रूप में जब बुद्धिस्ट धम्म को अपनाया, तब मुझे जो अनुभव आया वो बहुत अच्छा रहा। यानी मैं जो काम करती थी उसको भी वो पूरक था, बाबा साहब के विचार, महात्मा फुले जी के विचार, भगवान बुद्ध के बुद्ध के विचार। विचार, उनका पंचधम्म, हाँ ये सब मैंने प्रत्यक्ष में उसका अनुभव किया, प्रत्यक्ष रूप में। और उसे जितना भी अप्लाई करता करना मुझे चाहिए था। शक्य था, हाँ हाँ उतना मैंने किया। किया। 1992 में आप बौद्ध धम्म के सानिध्य में आई, और तब से लेके अब तक आप लगातार जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पे काम कर रही हैं, आपने जी लिखा भी है। तो उस दौर से आज के इस दौर में आपको कितना परिवर्तन लगता है कि आज ये जो जाति व्यवस्था है ये क्या उसी दौर के समान अभी भी चल रही है? क्या छुपके छुपा के उसको चलाया जा रहा है, ढक ढका के जैसे ऊपर से दिखाया जाता है? नहीं नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि जाति व्यवस्था एक अलग-अलग रूपों में अभी भी बहुत ही जिंदा है। और जैसा बाबा साहब कहते थे कि ये मनु एक ऐसा व्यक्ति है कि जो जितना भी उसको तुम हटाने की कोशिश करो फिर से जिंदा होती रहेगी मनुस्मृति, वैसा हमें जाति व्यवस्था जिंदा होते हुए दिखती है बार बार, शादियों के रूप में, बाकी भी नौकरियों में, शिक्षा में, यहाँ सब में अभी भी वो जी मौजूद बिल्कुल। है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक भोजन माता जब खाना बना रही थी, दलित भोजन माता, तो जी ब्राह्मण बच्चों ने, 6ठी क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे, बीच के जो बच्चे थे, उन बच्चों ने मना कर दिया कि वो उस दलित भोजन माता के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। तो ये मानसिकता अभी भी चली आ रही अभी है। भी चली आ रही है। तो अभी आप इस उम्र में भी लगातार अपना जो लेखन का काम है, समीक्षा का काम है, यहाँ देख रही हूँ उतने सारा आपका लेखन अभी भी ये जारी आगे है, का बुक का शुरू है मैंने। अभी शुरुआत है, हाँ अभी एक और बुक आ रही है, और ये इनके पास आया है क्योंकि एक लेखक ने इनको भेजा है, इसमें उनका इंट्रोडक्शन है, तो वो उसके लिए भी आया हुआ है। और लगातार मैम इस उम्र में भी बिना थके काम कर रही हैं जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए और लोगों को
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जागरूक करने के लिए। एक पर्सनल सवाल आपसे करूँगी कि आपको इस काम के दरमियान मौका ही नहीं मिला शादी करने का, या फिर हमारे ब्राह्मण समाज में जैसा होता है कि मतलब अब आपने धर्म बदल लिया है तो किसी ने फिर आपको कभी नहीं अलग कर दिया? नहीं है, एक तो ऐसा है कि मेरी रुचि इतनी ज़्यादा काम के इसमें थी जी, सामाजिक कार्य में जी, कि मैंने थोड़ा थोड़ा सोच के ही रखा था कि अपन यदि अपने मन के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो शादी का जोखड़ नहीं चाहिए, और उसमें कोई फ्रीडम नहीं। तुम अपने मन जैसा आज जो मैं कर सकती हूँ वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये डिसाइड करके दूर रखा वो सब। और शायद आपकी जितनी स्वतंत्र सोच है, जितने स्वतंत्र विचार आपके हैं, उस लेवल पे कोई मिला भी नहीं होगा आपको। हो सकता है, नहीं, हाँ बिल्कुल ही पता नहीं होता है। हाँ। मुझे तो लगता कि मैं एक 5-6 दिन में ही निकल जाती हूँ। तो ये थी हमारे साथ रूपा कुलकर्णी मैम, और मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पूजा।